नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लखनऊ में। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो दोस्तों, यूपी त्रिपाल 80 की तरफ से दो महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, आइए दोनों खबरों को हम विस्तार से बताते हैं। तो आइए फर्स्ट खबर हम आपको बताते हैं। फर्स्ट खबर आ रही है वीडियो रिजल्ट को लेकर, आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं इस वीडियो में। तो मित्रों, आप देख सकते हैं फर्स्ट खबर यहाँ पर, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का परिणाम घोषित करने पर जानकारी मांगी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ की सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती की परिणाम घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुजीत कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना है कि 23 दिसंबर 2018 को परीक्षा हुई है, मगर अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। याची ने 22 फरवरी 2019 को आयोग को प्रत्यावेदन दिया है। कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दाखिल की गई है। आयोग की तरफ से अधिवक्ता के एस कुशवाहा ने समय मांगा है। तो दोस्तों, वीडियो रिजल्ट की यही अपडेट थी। आइए नेक्स्ट खबर की तरफ हम लोग चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट अपडेट आ रही मित्रों, चकबंदी लेखपाल भर्ती को लेकर यहाँ पर अधीन सेवा चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। चकबंदी लेखपाल भर्ती में गड़बड़ी के मामले में फंसे अधीन सेवा चयन आयोग के तत्कालीन चेयरमैन राजकिशोर यादव समेत 7 के खिलाफ सोमवार देर शाम हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा से विधान परिषद सदस्य संजय लाठर की पत्नी बबीता लाठर भी आरोपियों में शामिल हैं। प्रभारी निरीक्षक राधा रमण सिंह ने बताया कि सोमवार को चकबंदी विभाग की तरफ से उप संचालक उमेश गिरी ने तहरीर दी कि जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुक्रिया। थैंक यू।